आइए आइए आइए। हेलो चैनल, वेलकम टू माय दोस्तों। ये बातें कहीं सुनी सुनी तो नहीं लगी? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की कई दिनों से डिमांड थी कि माइक खराब हो रहा है स्ट्रीम पे और आवाज स्लो आ रही है, तो इसी के साथ मैं लेके आ चुका हूँ माइक। और कुछ लोगों ने तो इसका रिव्यू इनडायरेक्टली देख भी लिया, जो स्ट्रीम पे रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं। तो आप लोगों को भी आया करो यार, लास्ट दो तीन लाइव स्ट्रीम से ये वाला माइक यूज कर रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो। और ये रहा हमारा बॉक्स, इसमें एक विंडबॉक्स निकला, सबसे पहले एक क्लिप होल्डर, स्टैंड, ट्राइपॉड, माइक ट्राइपॉड और माइक, एक पुस्तक, एक कनेक्टर केबल और एक रेडियो का स्टिकर। ऑल्दो इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो देन स्टिक इट हियर। दिल से रिव्यू होना चाहिए, जो भी काम हो दिल से हुआ। इस माइक का नाम तो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। इस माइक का नाम है शैडोबॉक्स गेमिंग माइक्रोफोन और इसमें RGB दी है। तो इसको आप लोग स्ट्रीमिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, प्रॉडकास्ट के लिए और बेसिक रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये प्रोफेशनल कंडेंसर माइक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसके RGB चलती है। अगर आपको RGB नहीं दिखानी है तो आप इसको इजीली कवर भी कर सकते हो। ये हमारा माइक्रोफोन कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन है। गलत सोच, यहाँ पे रेड गियर की ब्रांडिंग है या कार्डियड पोल पैटर्न बना हुआ है। इस वाले एरिया से ही ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड करेगा। इस वाले एरिया से थोड़ा मतलब साउंड बहुत ही कम आएगी। इस वाले एरिया से बिल्कुल परफेक्ट साउंड आएगी। ये इसका म्यूट बटन है यहाँ पे, ये एको कंट्रोल है, ये गेन कंट्रोल है और यहाँ पे अपना यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। अब जो बिल्ड है इस माइक्रोफोन की, जो मेटेलिक बिल्ड है, तो सच बताओ इस माइक्रोफोन की क्वालिटी तो बढ़िया है। 2500 का माइक्रोफोन है, उस हिसाब से काफी अच्छा। इस क्लिप को आप इजीली यहाँ पे फिट कर सकते हो, ट्राइपॉड पर रखिए कुछ जिसकी इतनी हाइट हो जाए। और ये क्या प्रोफेशनल, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है इस माइक से। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीमिंग होंगी और या फिर प्रोडकास्ट वगैरह तो हमें करना नहीं है। हमें नॉर्मल स्ट्रीमिंग करनी है और नॉर्मल से रिकॉर्डिंग करनी है। उसमें काफी अच्छा माइक है। मेरी माइक देख के ना थोड़ा सा अंदर से सिंगर जाग गया था, तो मैंने कहा सोराज अभी। और इसमें क्या ही टेक्निकल चीज है कि बात करूं, तो मैं इसको इसकी डायरेक्ट आपको आवाज ही सुनवा देता हूँ। और जैसे हम इसको पीछे से कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि RGB दिखती है इसकी। नॉर्मल सी RGB है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है। वैसे भी हमारा विंड मफ लगा रहेगा तो इसके हमें वैसे भी कोई जरूरत नहीं। अब मैं इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ आपको। इजी प्लग एंड प्ले है, डोंट वरी कि आपको और कुछ करना पड़ेगा। जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से सुन रहे हैं, नए माइक्रोफोन कनेक्ट कर दिया है। और ऑब्वियसली आप लोगों को डिफरेंस पता लग गया होगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन की क्या क्वालिटी होती है। पावर भी ले रहा होता है ना साथ साथ ये, तो ये बढ़िया क्वालिटी दे रहा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न है, तो ये इस साइड से तो सही रिकॉर्ड कर रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो इधर से कम साउंड रिकॉर्ड करेगा। जैसे हेलो हेलो हेलो, अगर ये सामने होगा तभी अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। ये विदाउट पॉप फिल्टर वाली आवाज है और अब हमने पॉप फिल्टर लगा दिया। आप लोग बता देना कमेंट करके कि पॉप फिल्टर के साथ कैसी आवाज है। ओवरऑल मैंने टेस्ट किया हुआ, लाइव स्ट्रीम पे यूज किया हुआ है, सबने बोला बढ़िया आवाज है। तो हमें इसमें एको करना है। आइए आइए आइए, मौत का कुआं आपके शहर में आया है, तो कुछ ऐसी एको वाली आवाज आती है आपको और आपकी फरमाइश में ले आए हम माइक। और इसमें इतना ही रिव्यू था, तो माइक्रोफोन में होता ही क्या है दिखाने के लिए। माइक्रोफोन में यही होता है बस, 2500 रुपये का माइक्रोफोन है इजीली और बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरी तरफ से। तो लेट्स को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना माइक कैसा लगा आपको।